हे गाइस, वो इट्स 8:45 इन द मॉर्निंग। मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि दैट आई विल ट्राई टू अपलोड टू वीडियोस इन अ वीक, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। तो अभी 8:45 बज रहे हैं, तो आई हैव टू डू माय वर्क व्हिच इज स्टडीइंग ऑब्वियसली। सो एक काम करते हैं, अभी जाते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं बैठी तो एक घंटे बाद भी नहीं होगा। सो लेट्स गेट माय वर्क डन। आज षष्ठी है, तो हैप्पी षष्ठी, दैट इज सिक्स्थ डे ऑफ दुर्गा पूजा, अगर किसी को नहीं मालूम है। तो इस बार मेरा खास कुछ प्लान नहीं है। क्या प्लान है क्या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले अपना काम कर लेते तो उसके बाद। तो चल रहा है, और लाइब्रेरी तो अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में है नहीं, तो अभी फिलहाल ब्रेक है। तो अभी आई विल ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। फिलहाल आप लोग देखते रहो, मतलब काम तो मेरे को करना है, तो हम करते हैं काम, आप लोग देखो। सो दिस इज़ द हालत राइट नाउ। ये डेली होता है, हर क्लास के बाद होता है ऐसा, इवन 4 बजे के बाद भी, इससे भी बदतर हालत होती है। तो अभी मैं इसको साफ़ भी नहीं करने वाली हूँ, अगर मैंने इसको अभी साफ़ कर दिया तो बाद में मैं बुक्स लूँगी फिर से, मतलब ऐसा हालत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी इसको साफ़ नहीं करते, अभी ऐसे ही रहने देते, क्लासेस के बाद फिर साफ़ करेंगे। बात यह है, मेरे क्लासेस अभी ख़त्म हो चुके हैं और अभी 3 बज रहे हैं, और इधर जो मैस है ना वो साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, और हम भी साफ़ हो जाते हैं, अभी तक मैं साफ़ नहीं हुई हूँ। और वैसे बात यह है कि बाहर बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा सुहाना मौसम है, तो जल्दी से जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और आज ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही है, सॉरी कि क्लासेस हो रहे हैं। तो मेरे क्लासेस खत्म होने के बाद मेरे इस रूम का हालत जो होता है वो क्या आप लोग देखना चाहोगे? Do you want to see? चलो यार दिखा देते हैं आपको। तो बात ये है, मैं भी हो चुकी हूँ साफ, मैंने अपने रूम को भी कर दिया साफ, तो तो अभी चलते हैं किचन में क्योंकि आज बनी है चिकन और भूख भी लग रही है, तो चलते हैं। तो चलो मैं अभी आपको बताती हूँ इस बार मेरे दुर्गा पूजा का प्लान क्या है। तो सच्ची बताऊँ, इस बार मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है, कुछ भी प्लान नहीं किया है। जैसे हर साल होता था कि नए ड्रेस खरीदना रहता था, नए जूते खरीदने रहते थे, इस बार मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है। और मैंने पापा को भी मना कर दिया है, वो लोग रोज बोलते हैं कि तू कुछ खरीद ले, लेकिन मैंने मना कर दिया है क्योंकि पहले जैसा वो वाइब नहीं आ रहा, लाइक पूजा में घूमना है, नए नए ड्रेसेस खरीदने हैं, वो वाइब ही नहीं आ रही यार। मतलब पता नहीं कोरोना की वजह से होगा या आई डोंट नो, लेकिन जो भी है वो अंदर से आता है ना फील वगैरह जो हर फेस्टिवल में होता है, वो नहीं आ रही। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा होगा, आई डोंट नो दैट, बट इस बार मुझे वो फील नहीं आ रही यार। पहला रीजन तो ऑब्वियसली कोरोना है, क्योंकि अगर मैं बाहर गई भी वो टेंशन रहेगा मन में कि कहीं कोरोना ना हो जाए, वो टेंशन के मारे वो मजा नहीं आएगा। मतलब जी भर के जो मजा करते थे ना हर साल, वो मजा नहीं आने वाला है।
वैसे मेरे फ्रेंड्स प्लान बना रहे थे कि हर दिन नहीं लेकिन एक दिन तो निकल ही सकते हैं, मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं, एक या दो घंटे के लिए तो निकल ही सकते हैं। तो देखते हैं कल या फिर परसों निकल पाते हैं तो व्लॉग जरूर आएगा। दुर्गा पूजा यार अगर निकले तो व्लॉग क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा व्लॉग। तो वेट करो, अगर गई तो ठीक है, अगर व्लॉग नहीं आया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अगर मैं गई नहीं तो व्लॉग कैसे आएगा। वैसे पता नहीं आप लोगों को सुना है दे भी रहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरे एरिया पे एक क्लब है, वहां पे पूजा हो रहा है तो गाने वगैरह चल रहे हैं, मतलब लोग भी जा रहे हैं, सही है। वैसे पता नहीं आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा होगा, मजा आया कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करी थी तब मैंने सोचा था कि जब घूमने जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। जब से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुए हैं मेरा स्केड्यूल ऐसा ही रहा है, लाइक सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लासेस खत्म होते हैं तो थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, नैप लेने के बाद थोड़ा सा फिर से खाती हूँ और उसके बाद फिर से स्टडीज शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है। तो इस बीच में मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, और अभी जब दुर्गा पूजा आ गया है तो वही कोरोना का टेंशन। जो भी है आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो आई होप आपके लिए आज का व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी बाहर भी नहीं जा सकते, अभी जब पूजा स्टार्ट हो चुकी है तो वही टेंशन, जाए या फिर नहीं जाए देखते हैं यार क्या होता है। तो वही अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना यार। फिर भी मैंने टाइम निकाला कि चलो व्लॉग करते हैं, क्योंकि व्लॉग से जो टाइम पास वगैरह होता है वो हो जाता है मेरा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार, 1K होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी और हैप्पी दुर्गा पूजा। रुको, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी ने कमेंट में पूछा था कि इस रबर बैंड का क्या मतलब राज है। इसका कुछ भी राज नहीं है, एक्चुअली मेरा हेयर बैंड है वो मैं मतलब कभी कभी मैं इसको घुमा देती हूँ, तो इसीलिए सोचा हाथ में ही पहन लेते तो याद भी रह जाएगा, दिख भी जाएगा। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। सो